दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑल इन वन में। मैं मुकेश सरावगी आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो चीज मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये है बादाम, जिसको अपन लोग भिगो के खाते हैं, मिठाइयों में यूज करते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज में इसको लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये बादाम का पेड़ कैसे लगता है, इसको कैसे उगाया जाता है? आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस बादाम से बादाम का पेड़ कैसे लगाया जाता है। चलिए अपन अभी बादाम से बादाम का पेड़ कैसे लगाते हैं इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिए हैं दो बादाम। इस बादाम को मैं एक कटोरी में रखता हूँ और इसमें थोड़ा पानी डाल देता हूँ, यानी कि मैं इनको भिगो देता हूँ। अभी दोस्तों मैंने ये बादामों को भिगो दिया है और इन बादाम को मैं 12 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देता हूँ। अभी दोस्तों ये बादाम 12 घंटे भीग चुके हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक कटोरी और लेता हूँ, इसमें ये बादाम निकाल के रख देता हूँ और इसमें एक फ्रेश पानी वापस से डाल के इसको फिर से 12 घंटे के लिए भिगोता हूँ। अभी मैंने इनको वापस से भिगो दिया है। पानी चेंज करने का मतलब ये है कि जो पानी अपन ने पहले लिया था वो पानी थोड़ा बादाम भिगोने की वजह से सड़ गया है, इसके लिए अपन ने इसका पानी चेंज कर दिया है। अभी दोस्तों अपन ये बादाम को 12 घंटे और भीगने देते हैं, उसके बाद में 12 घंटे के बाद में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। अभी दोस्तों बादाम 12+12 कुल मिला के 24 घंटे भीग चुके हैं। अभी अपने को करना क्या है, कुछ इस तरह से अपने को एक पेपर लेना है। ये पेपर के ऊपर जो बादाम अपन ने 24 घंटे के लिए भिगोए थे उन बादाम को ये पेपर पे रख देना है, एक के पास एक, आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा। और अपने को क्या करना है, एक स्प्रे से स्प्रे लेके इसके ऊपर एक पानी का स्प्रे कर देना है। अभी दोस्तों ये जो अपन ने बादाम लिए हैं पेपर के ऊपर, इसके ऊपर सेम एक दूसरा पेपर रख देना है और फिर से ऊपर वाले पेपर के ऊपर भी स्प्रे कर देना है। इससे जो पेपर अपन ने लिया है वो नरम पड़ चुका है और अब अपन ये पेपर को थोड़ा फोल्ड करके बादाम को अंदर समेट देते हैं कुछ इस तरह से। अभी बादाम को मैंने एक के बाजू एक रख के पेपर में फोल्ड कर दिया है। अभी आप देखोगे दूसरी साइड से आपको बादाम थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे। अभी अपने को ये पूरे पैकेट पे पानी का स्प्रे कर देना है। अब दोस्तों अपने को करना क्या है, एक एयर टाइट कंटेनर लेना है कुछ इस तरह से और ये बादाम को ये कंटेनर के अंदर रख देना है और कंटेनर को बंद कर देना है। अब दोस्तों इस कंटेनर को अपने फ्रिज में अपने को 15 दिन के लिए रखना होएगा, लेकिन ध्यान रहे आपको कि अपने को हर तीसरे चौथे पांचवें दिन इनको चेक करते रहना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसको आपको अपने फ्रीजर में नहीं रखना है, जो फ्रीजर के सामने जो स्पेस होता है वहां पे रखना है। अभी दोस्तों मैं इसको फ्रिज में रख देता हूं और 5 दिन बाद इसकी क्या कंडीशन रहेगी वो आपको दिखाता हूं। अभी दोस्तों 5वां दिन है, मैंने ये कंटेनर फ्रिज से निकाल लिया है, इसको ओपन करके देखता हूँ। अभी तक दोस्तों मेरे को इसमें किसी भी प्रकार का अंकुरण नहीं दिख रहा है। मैं अभी इस पे थोड़ा सा पानी का स्प्रे और कर देता हूँ और ये प्रक्रिया मैं हर 2-2 दिन से 3-3 दिन से दोहराता जाऊँगा। और अभी वापस इसको पैक करके वापस फ्रिज के अंदर रख देता हूँ। आज है दोस्तों 15वां दिन। जो प्रक्रिया मैंने 5वें दिन दोहराई थी, बॉक्स को ओपन करके उसमें थोड़ा पानी का स्प्रे किया था,
वही प्रक्रिया मैंने 10वें दिन भी कर दी थी, तब तक बादाम में कोई भी अंकुरण नहीं हुआ था। आज है 15वां दिन, आज मैं फिर से ये बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ और देखता हूँ अंदर क्या कंडीशन है। अरे वाह दोस्तों, देखिए कितना जोरदार ये बादाम अंकुरित हुआ है। नजदीक से देखिए जरा, कितना अच्छा अंकुरण आया है इसमें। अभी अपन दूसरे वाले बादाम को भी देखते हैं उसका क्या ढंग है। दूसरे बादाम में अभी तक अंकुरण नहीं आया है, एक बादाम में ही अंकुरण आया है। अपन इसको अभी इंतजार करेंगे एक दो दिन का, और दोनों बादाम में अंकुरण आ जाएगा। उसके बाद में अपन इस बादाम को या तो कोई जमीन पे लगा देंगे, या फिर इसको कोई गमला जो घर में रहता है उसमें लगा देंगे। उसके बाद में ये बादाम का पौधा अपने हिसाब से फलने फूलने लगेगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे कि एक बादाम की गिरी से बादाम का पौधा बन जाता है, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अब दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मुकेश सरावगी आप लोगों का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा ये वीडियो देखा। अच्छा दोस्तों अभी आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद। कैमरा वुमेन सुमिता सरावगी के साथ मुकेश सरावगी।